झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के बैनर तले दिनांक 23 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर झारखंड विधानसभा के समीप पर देश प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान, प्रदेश सचिव रजनी कुमारी बैठी हुई हैं। इन दोनों पदाधिकारियों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन झारखंड सरकार को कान में जू तक नहीं रेंग रही है। झारखंड राज्य में पोषण शक्तियों को 2016 में नियोजन किया गया था, तब से लेकर आज तक पोषण सखी घर घर जाकर सरकार द्वारा दिए गए कार्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करती आ रही है। यहां तक कि कोरोना महामारी के बीच घर पर जाकर कोरोना का सर्वे तथा मेडिकल सुविधा जैसे कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना है कि पोषण सखी का न बीमा किया है, न ड्रेस कोड दिया है और ना ही झारखंड सरकार 12 महीने से मानदेय दे रही है। संघ के प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी का कहना है कि हम लोगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। आंगनवाड़ी में कार्यरत 3 कर्मियों में सेविका सहायिका की नियमावली बनाकर झारखंड सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित कर दी है, परंतु पोषण सखी को अपमानित किया जा रहा है। पोषण सखी को सरकार मात्र 3,000 रुपए मानदेय देती है, जो 1 वर्ष से भी सरकार ने बंद कर दिया है, तथा पोषण सखी के भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। इसीलिए झारखंड सरकार पोषण सखियों को भी नियमावली बनाकर न्यूनतम मजदूरी लागू करे और उन्हें भी स्थायी करे। उक्त बातें प्रमिला कुमारी प्रदेश महासचिव ने कही है। फिलहाल अभी तक भूख हड़ताल जारी है, अब देखना यह है कि कब तक सरकार सुध लेती है। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। आज 10 फरवरी से हड़ताल पर बैठी हुई है और सर हम लोग बार बार सरकार से आग्रह करें कि हम लोग जो कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग सेविका की तरह हम लोग अपना दर्जा मांग रहे हैं। हम लोग छत के नीचे तीनों काम करे, सेविका सहायता पोषण सखी, लेकिन सेविका सहायता को सम्मान तो मिल गया लेकिन पोषण सखी को दरकिनार कर दिया गया। इसी मांग को लेकर के आज 10 फरवरी से धरना स्थल पर और भूख हड़ताल में बैठी हुई हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान जी, सचिव अंजनी कुमारी, इनका लगातार तबियत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर आए हैं लेकिन चेकअप किए उन लोग का कहना की जबरदस्ती हम लोग जाके रिम्स में भर्ती कर देंगे, वहीं पैसे लान चढ़ाएंगे, लेकिन इन लोग का कहना है कि हम लोग को धरना स्थल पर ही जो भी सुविधा आप दीजिए, धरना स्थल पर ही रह करके हम लोग को सलाइन वगैरह जो भी करना यही कीजिए, लेकिन वो लोग एक बात तक नहीं सुने, आकर के सिर्फ चले गए। लेकिन अभी इनका तबियत लगातार इतना बिगड़ गया कि हम लोग मतलब खड़ी बैठने की खोजी से पूरा पटका कर बेहोश हो गई। 3 बार 4 बार SDO के पास कॉल किए, 1 बार तो रिसीव किए, खाली बोले पोषण से कि वैसे ही काट दिए। और हम लोग लगातार मीडिया के माध्यम से भी हम सूचना दिए हैं, लेकिन अभी तक हो गया 1/2 घंटा करीब, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुँचे। ये छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ना पहुँचे। योजना के खिलाफ पोषण सखी जो 6 जिलों के हैं उनकी पूरी छटनी की तलवार लटकी हुई है। इस साइड आप देख रहे हैं कि झारखंड आंदोलनकारी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, तो लोगों को सरकार से बहुत आकांक्षा थी, 2 साल बीत गए हैं, इसलिए जो सवाल उठ रहे हैं सरकार को गंभीरता पूर्वक इन सवालों को हल करना चाहिए। होता है तो सारा जिम्मेवारी स्वास्थ्य सरकार की होगी, क्योंकि उसको लिखित सूचना दे करके हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, फिर भी उसका कोई सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोग को। 1 सप्ताह से नहीं खाई है, 10 फरवरी से भूख हड़ताल पर बैठी है, अपने जायज मांगों को लेकर अच्छा मांगा है, हम लोग को 1 साल से मानदेय नहीं मिला, हमारे बच्चे घर में तड़प रहे और आज यहाँ मरने पे कगार पर है। देखिए सरकार।
बैठा देते हैं। पर्नाड केस को थोड़ा सा छोड़िए, आप छोड़िए, हम लोग हैं, हम लोग हैं, भैया मदद कर रहे हैं, भैया मदद कर रहे हैं। हाँ भैया तो मदद कर रहे हैं। इसको प्लीज, इसको कोई सहारा दीजिए, पकड़िए, इसको पकड़िए, ले चलिए, गिर जाएगी। उठा लीजिए आप लोग आराम से, वहाँ पे ले चलिए, भेजिए सब फोटो दीदी। इसका क्या स्थिति है, क्या स्थिति इसका देख सकते हैं आप, कैसी स्थिति है इसको, पूरा तबियत लगातार बिगड़ते जा रही है, लेकिन ये सरकार नहीं सुध ले रही है। अगर कुछ भी होता है तो सारा सर जिम्मेवारी सरकार के ऊपर होगी। हम लोग जांच मांग लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई शौक नहीं हम लोग को धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करने का। प्लीज को है मीडिया वाले कोई भी है तो इनका सुनिए, मैडम थोड़ा सा सुनिए, इधर आइए प्लीज, देखिए इधर आइए, इसका तबियत लगातार बिगड़ रहा है। बताइए कितना ये लोग, कैसी सरकार है जो हम लोग यहाँ दो आठ साल आठ महीना सॉरी आठ दिन से यहाँ पर भूखे प्यास से बैठे हुए, लेकिन डॉक्टर का कोई ये नहीं है, सिर्फ आते हैं और देखकर चले जाते हैं। हम लोग पानी सलाइन चढ़ाने की भी हम लोग उम्मीद किए हैं, मांग किए हैं, लेकिन वो लोग किया नहीं है। ऐसी सरकार पे हम लोग और ऐसी एसडीओ पे हमें बहुत गुस्सा आ रही है, और आप लोग प्लीज जितने भी साथी हैं इसे शेयर करें। ऐसा हमें नहीं सरकार चाहिए जो हम लोग पोषण से किए और हम लोग बहनों को वो देख ना पाए। हम लोग पूरा बीमार हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी ये सुन नहीं रहा है। बस इतना हम चाह रहे हैं कि एसडीओ हैं जो फोन उठा के काट दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ ही है। हम लोग अपना मांग के लिए बैठे हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना, इसका हालत बहुत खराब है, हालत खराब है, आठ दिन से नहीं खाई है, आठ दिन से नहीं खाई है ना, दादाजी फोन एक बार उठा लिए। हां बस बात कीजिए उससे कि तो तभी पूरा बिगड़ गया। नहीं आए शिक्षा मंत्री, अरे शिक्षा मंत्री ने इसका तबियत बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है इसका, तो पता है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कोर्ट पे जाना। अच्छा छोड़िए, रह लीजिए ना, इसको डॉक्टर पास एसटीओ ने फोन उठा रहे ना, वो कहां गया, वो गार्ड ने था उसका नंबर।
अभी वहाँ पे पूरा पटका गई, उठा करके किसी तरह यहाँ तक लाई। वीडियो बनाई, वीडियो अरे फोन करिए दीदी, मुँह धो दीजिए। हाँ थोड़े पानी मार दीजिए। खाई नहीं है ना, वहाँ खाना नहीं, पेट खाली है। 8 दिन हो गया, 8 दिन हो गया भैया, अभी पटका गई है। उससे पहले खोजे गिर गई वहाँ। बीपी इसका कमजोर हो रहा है ना, समझते हैं। एक सप्ताह से यहाँ में जाएगा तो क्या हाल होगा। तो और यहाँ पे सरकार खाली मतलब बोलते हैं कि हाँ कि काम करो, काम करो। नहीं आप लोग पे जो काम करने के लिए भैया, हम लोगों का ये साल भर से पेमेंट भी नहीं दिया है। हम लोग को शौक है क्या, परिवार छोड़ करके यहाँ पे अनशन बैठने के लिए मजबूर कर दिए, मजबूर कर दिए। आप पकड़ के नहीं ला देते वहाँ तो हम लोग को पता नहीं क्या होता है इसका हाल। चलिए भेजिए, सभी ग्रुप में भेजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। आपको कोई नहीं सुन रहे, मीडिया वाला के पास फोन कर रहे हैं। मीडिया वाले जो है पोषण सखी संघ का रजनी कुमार भी है, उनका लगातार तबियत बिगड़ते जा रहा है, लेकिन ये सरकार हम लोग बड़ा लेटा देंगे, ले जाएंगे। अभी तक सुध लेने के लिए नहीं।